अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, बच्चों के स्कूल का टाइम है और आज है इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पे उमरा और अली जो है नाश्ता कर रहे थे और हसन जो है फ्रेश हो रहे थे। फ्रेश होके आ गए हैं हसन और अली और उमरा ने नाश्ता कर लिया है। और इन लोगों को जो इंडिपेंडेंस डे की कुछ चीज़ें रहती हैं, ये देखिए, जैसे गाल पे ये देखिए स्टिकर लगाए हुए हैं और फ्लैग लेना है। और यहाँ पे ये देखिए अली को जो है स्टिकर लगाना था, तो यहाँ पे मैं स्टिकर लगा रही हूँ। बहुत ही इजीली ये स्टिकर लग भी जाता है और निकल भी जाता है। इसके बाद यहाँ पे हसन जो है फ्रेश होके आ गए थे, तो वो नाश्ता कर रहे थे। वो उमरा और अली जो है नाश्ता कर चुके हैं। और यहाँ पे ये देखिए हसन भी रेडी हो रहे हैं और हसन की जो है आज परफॉर्मेंस है वहाँ पे स्कूल में। तो वहीं पे हसन को जो ये हुआ था कि हाथ में दोनों बैंड पहन के आना, ये जो तिरंगा वाला होता है। तो यहाँ पे ये देखिए हसन जो है रेडी हो गए हैं और यहाँ पे ये देखिए तीनों लोग एकदम रेडी हैं स्कूल जाने के लिए। तो अभी ये लोग जा रहे हैं स्कूल। और यहाँ पे ये देखिए उमर जो है इन लोगों को छोड़ने जा रहे हैं बाइक से, पास में ही स्कूल है। और यहाँ पे ये देखिए सब लोग जा चुके हैं। मेरी बन रही है चाय और यहाँ पे एग बॉयल हो रहा है। पहले हम करेंगे नाश्ता, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे दूध भी बॉयल हो रहा है। दूध जो है न्यू वाली कढ़ाई में जो है बॉयल हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से नाश्ता हमारा एकदम कम्प्लीट हो गया है और आज है इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पर ये देखिए बच्चे जो हैं तिरंगा वाला बलून या तिरंगा वाली पट्टी सब लगा के आ जा रहे हैं। ये देखिए सारे स्कूल के क्यूट क्यूट से बच्चे। और यहाँ पे ये देखिए हसन लोग वापस आ गए हैं स्कूल से और स्कूल में मिली है चॉकलेट डेरी मिल्क वाली, वही दिखा रहे हैं। जब भाजन की बारी आई, जब भाजन गा रहा था, अली राम झंडा छीन के रख के चलो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल दो सबको। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो है उमरा घर पे ये वाला ड्रेस आज पहनेंगी, व्हाइट कलर का ड्रेस है और तिरंगा वाली दुपट्टा है। तो यहाँ पे ये देखिए उमरा का ड्रेस और साइड में देखिए मेरा भी रखा हुआ है। तो मेरे सूट की दुपट्टा नहीं मिल रही थी, ये देखिए अब मिल गई है। तो यहाँ पे ये देखिए उमरा एकदम रेडी हो चुकी है और ये देखिए इनका। सो यहाँ पे ये देखिए मैं भी हो गई हूँ रेडी। मैंने ये देखिए वाइट कलर का सूट पहना हुआ है और ये देखिए इसकी चिकनकारी जो वो है कितना अच्छा लग रहा है। ये सूट मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा है। और यहाँ पे ये देखिए तिरंगा वाली चूड़ी मैं लेके आई थी मार्केट से, तो यहाँ पे जो है मैं तिरंगा वाली चूड़ी पहनूंगी क्योंकि सूट मेरा वाइट है और सिर्फ मैं तिरंगा वाली जो है बैंगल्स पहनूंगी यहाँ पे, ये देखिए। तो चलिए फटाफट से इसको हम पहन लेते हैं। सो यहाँ पे ये देखिए तिरंगा वाली बैंगल्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप लोगों को। तो यहाँ पे ये देखिए इंडिपेंडेंस डे का केक जो है इसको मैंने कल जो है बेक किया था। और इसकी वीडियो जो है शॉर्ट्स पे है, तो आप लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो यहाँ पे ये देखिए सब लोग जो है केक एंजॉय कर रहे हैं, ये देखिए अली को। और केक माशाल्लाह से काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी जालीदार बना था, बहुत ही टेस्टी था। ये देखिए इसकी जाली देखिए कितनी है। तो चलिए आज जैसे कि आज है इंडिपेंडेंस डे, तो चलिए एक और नई रेसिपी इसी के साथ शूट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है आज बनाऊंगी तिरंगा वाली बर्फी, वो भी किसकी, डेसिकेटेड कोकोनट की। तो यहाँ पे ये देखिए कोकोनट को मैंने डाल दिया है और लो फ्लेम पे हम इसे जो है हल्का सा रोस्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह चलाते हुए हम इसे रोस्ट करेंगे, बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं है, बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक बनने वाली है और टेस्टी भी काफ़ी होती है। तो यहाँ पे ये देखिए नारियल का बुरादा हमारा जो है जब हो गया था तो मैंने इसमें डाल दी थी चीनी। चीनी हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो चीनी डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था दूध। अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे ताकि ये जो है
मॉइस्चर जो है हल्का हल्का सूख जाए, बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है। ये देखिए इस तरीके से जो है हम, ये देखिए पका लिया है इसको मैंने। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच फ्रेश मलाई, जो फ्रेश मलाई होती है उसको हम डाल देंगे। आप इसकी जगह चाहें तो घी डाल सकती हैं। तो यहाँ पे इसको हम अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके बाद हम, मैंने इसको देखिए 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है क्योंकि मुझे तिरंगा बनाना है, ट्री कलर। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब इसमें हम डाल देंगे ग्रीन फूड कलर। उसके बाद ये देखिए मिक्स करने के बाद कलर देखिए कितना माशाल्लाह कितना ग्रीन खूबसूरत है। तो इसको मैंने जो है प्लेट में जो है घी लगा के उसको स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद मैंने वाइट कलर का जो है सिंपल सा उसके ऊपर फैला दिया है। अब इसके बाद हम जो है ऑरेंज कलर बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 कलर जो है हो चुके हैं, अब तीसरा कलर हमारा बाकी है। इसके बाद हम यहाँ पे ऑरेंज कलर का रेडी करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फूड कलर ऑरेंज डाल दिया है, ऑरेंज फूड कलर यानी डाल दिया है। और ये देखिए कलर माशाल्लाह से, और इसको भी मैंने फैला दिया है। ये देखिए तीनों कलर दिख रहे हैं ना आपको, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब इसके बाद हम इस पर चांदी का वर्क लगा देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं वरना स्किप भी कर सकते हैं। आप पिस्ता वगैरह से जो है इसको गार्निश कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट से। तो चलिए इसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए सेट हो गई हमारी बर्फी। इसको हम ये देखिए इस तरीके से जो है कट कर लेंगे। कितनी सॉफ्ट बर्फी बनी है हमारी तिरंगा वाली, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है हमारी बर्फी। तो चलिए इसको जो है अब हम प्लेट में जो है सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैं जो है प्लेट में एक एक पीस उठा के रख रही हूँ, बहुत ही इजीली निकल जाती है। सो यहाँ पे ये देखिए फाइनली हमारी तिरंगा बर्फी रेडी है। और आप लोगों को कैसे लगी प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।